कैसे हैं आप सभी। तो आज के वीडियो में जैसे कि आप देख रहे हैं Vivo Y95, तो हम इसका आज ओवरव्यू देखेंगे एंड उसके साथ फर्स्ट बूट करूंगा, यानी कि आप फर्स्ट टाइम अगर ये मोबाइल लिया है तो कैसे सेटअप करना है वो वाला मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि ये मोबाइल आखिर लेना क्यों। इस बजट में आई थिंक स्नैपड्रैगन 660 का चिपसेट अगर देते तो वेरी गुड होता, लेकिन क्या करें, 439 डिसअपॉइंटिंग थिंग। फिर से वही कॉर्टेक्स A53 का ऑक्टाकोर जो CPU है वो वाला लगाया है एंड दैट्स ऑल्सो ए डिसअपॉइंटिंग थिंग। ग्राफिक्स परफॉर्मेंस के लिए एड्रेनो का 505 है, अगेन लिटिल बिट डिसअपॉइंटिंग थिंग। इट्स ओके, ठीक है, अगर आप पबजी गेम ऐसे थोड़ा हायर टाइटल्स का खेलेंगे, ग्राफिक्स जो डिमांड करता है हाई ग्राफिक्स डिमांड, तो वैसे वाला गेम्स खेलेंगे तो आई थिंक थोड़ा चल जाना चाहिए लोअर टू मिड सेटिंग्स पर। ऐसा नहीं कि वेरी हाई सेटिंग्स पर चलेगा, क्योंकि एड्रिनो 500 सीरीज़ जो है वो थोड़ा ग्राफिक्स परफॉर्मेंस जो बेटर है, तो इसके वजह से आई थिंक एड्रिनो 505 अच्छा है। एंड इसका अनदर डिसअपॉइंटिंग थिंग ये भी है कि 6.22 इंच इतना बड़ा डिस्प्ले है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लो रेजोल्यूशन डिस्प्ले है। लो रेजोल्यूशन मतलब कि 1520x720 मिल रहा है, आई थिंक 6.22 इंच के लिए 1520 यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स लाना वेरी वेरी बैड थिंग। आई थिंक 2230 ऐसे अगर पिक्सल्स लाते तो आई थिंक इट वाज ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले बन जाता, वो भी टेयर ड्रॉप नॉच के साथ, यानी कि यहाँ पर आपको स्क्रीन रियल एस्टेट ज़्यादा है एंजॉय करने के लिए, कैसे गेम्स हो मूवीज़ हो। एंड प्लस साइड अगर हम बात करें पॉजिटिव साइड की, 20 मेगापिक्सल का AI सेल्फी कैमरा है, मतलब कि आप सिर्फ सेल्फी निकालने के लिए अगर एक मोबाइल देख रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छा मोबाइल हो सकता है, क्योंकि देखिए F2.0 एपर्चर वाला कैमरा है इसमें AI कैमरा, तो F2.0 यानी थोड़ा लो लाइट कंडीशंस में भी आपको इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस देना चाहिए। हालांकि सेल्फी के लिए फ्लैश नहीं दिया डेडिकेटेड फ्लैश, लेकिन फिर भी क्योंकि F2.0 है थोड़ा बेटर पिक्चर्स आना चाहिए। एंड अलॉन्ग विद दैट 4030 mAh और का बैटरी है। अगर आप चाहते हो कि रिव्यू करूँ ये मोबाइल तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं रिव्यू करूँगा इस मोबाइल को। एट द रेयर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर है एंड अलॉन्ग विद दैट ऑफकोर्स स्पेशल अनलॉक भी मिल जाता है इसमें, लेकिन इसमें अगेन थोड़ा डिसअपॉइंटिंग थिंग 13 मेगापिक्सल कैमरा एट F2.2 एपर्चर, F2.0 या फिर F1.9 का अगर देते कैमरा तो थोड़ा लो लाइट की सिचुएशन में भी हेल्प हो जाता, अंडर 15,000 रुपीज़ बहुत बढ़िया मोबाइल बन सकता था, लेकिन क्या करें F2.2 में ही खुश रहना पड़ेगा। ड्यूअल कैमरा से मतलब कि ये कैमरा प्राइमरी कैमरा जो 13 मेगापिक्सल का है एंड अनदर कैमरा डेप्थ सेंसर 2 मेगापिक्सल का F2.4 का है, तो वो भी थोड़ा डिसअपॉइंटिंग, बट फिर भी आपको बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए डेप्थ ऑफ फील्ड लाने के लिए वो कैमरा मदद करना चाहिए प्राइमरी कैमरा को। तो ऐसा है सब कुछ है, अगर आप एक सेल्फी ओरिएंटेड कैमरा मोबाइल देख रहे हैं तो आई थिंक दिस मोबाइल शुड बी ए गुड बाय। तो चलिए देखते हैं Vivo Y95 को फर्स्ट बूट करते हैं, फर्स्ट टाइम बूट करके देखते हैं कि क्या सॉफ्टवेयर मिल रहा है, क्या क्या फीचर्स मिल रहा है इसमें। एंड देखिए इसमें एंड्रॉयड 8.1 है, एंड्रॉयड 9 जो कि लेटेस्ट वर्जन है वो वाला नहीं मिलता है, अगेन डिसअपॉइंटिंग थिंग, बट खैर कोई बात नहीं, चलिए इसको अभी फर्स्ट बूट करते हैं हम।